बाद हमारा 30 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 4 + 4 × 18 − 6 − 8, फिर 1 × 2 = 3 × 6 − 1 = 4 × 6 = 5। तो इसमें हमको इसका मान बताना है कि कितना आएगा। तो इसमें भी हमको वही करना है, बोडमास का नियम लगाना है, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीज़न है कहूँ है भागा नहीं, तो डिवीज़न का भी काम नहीं होगा। मल्टीप्लेक्शन, तो पहले मल्टीप्लेक्शन का काम होगा, 4 + 4, अब यहाँ प्लस रहेगा 18 को, 18 × 8 = 54, 54 × 8 = 72, 72 − 6 − 8। बाद हमारा आएगा बटा, अब यहाँ पर भी क्या गुना का है, तो इसका भी गुना करना है, 6 × 3 = 18 का 8, हाथ में 1, 6 × 2 = 12, 1 × 3 = 13, हाथ में 1, 6 × 6 = 7, माइनस का माइनस, 6 × 5 = 30 की 0, हाथ में 3, 4 × 5 = 20, 3 × 23 = 3, हाथ में 2, 5 × 6 = 5 = 6 = 7 बटा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन खत्म, एडिशन, एडिशन में तो जोड़ना, 4 और 72 कितना आता है, 4 और 72 = 76, −6 फिर −8, यहाँ पर ही 7 × 3 = 8 − 7 = 3। अब सब्ट्रैक्शन का काम करना है, सब्ट्रैक्शन मतलब 76 में से 6 घटाएंगे, फिर उसमें से 8 घटाएंगे, तो 76 में से 6 घटाएंगे तो 70, 70 में से 8 घटाएंगे तो 62, फिर इसके बाद हम 738 में से 730 घटाएंगे तो बचेगा 8, फिर 88 = 64 होता है। करना होगा तो 62 को हम 8 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, तो 88 = 64 होता है, तो 68 = 56, 57 = 56, 57 = 58, 59 = 59, 60 = 61, तो बचा 6, फिर बिंदु देंगे तो 60, फिर 68 = 56, 56 बचा कितना 40, फिर 8 × 5 = 40, तो हमारा आंसर आएगा 7.75 इज़ आवर फाइनल आंसर। अगला 31वां क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ब्रैकेट में 6 + 6 + 6 + 6 ब्रैकेट बंद भागा 6 बटा 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 का मान कितना होगा। तो हमारे बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट का काम में क्या है, 6 6 6 6 कॉमन आ रहा है तो सभी को कॉमन ले लेंगे, 6 को कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ही 1, फिर इसके लिए 1, फिर इसके लिए 1, फिर इसके लिए 1, और लास्ट में ब्रैकेट भागा 6 बटा, फिर इसके बाद क्या है, 4 + 4 + 4 + 4 = 4, 4 + 4 + 4 + 4 = 4, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। फिर इसके बाद ऑफ, कहाँ का लिखा है, नहीं लिखा है तो इसका मतलब उसका काम नहीं होगा। फिर इसके बाद है डिवीज़न, डिवीज़न का काम होगा, तो डिवीज़न के काम में क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये छः खत्म हो गया, बचा ये, तो ऊपर में बचा 1 2 3 4, ऊपर में बचा 4 बटा, इधर भी भागा करना है तो बाकी सब उतार देते हैं, 4 + 4 + 4 को 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा। फिर इसके बाद हमारा 4 ऊपर का ऊपर रहेगा, 4 4 8 8 4 12 12 1 13, तो 4/13 इज़ आवर फाइनल आंसर। अगला हमारा 32वां क्वेश्चन में बोला है कि 3 + 4 / 2 × 3 = 4 + 3 × 2 / 3, इसको भी हम बोडमास के नियम के अनुसार बनाएंगे, BODMAS। बोडमास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट है नहीं, फिर उसके बाद ऑफ आता है, ऑफ है नहीं, फिर उसके बाद डिवीज़न आता है, डिवीज़न है, तो 3 × 3 = 4, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, गुना 3 बटा 4 + 3 = 4 + 3 × इसको हम भाग करेंगे तो 2/3 आएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लेक्शन, तो मल्टीप्लेक्शन का काम करेंगे, 3 + 3 × 6 = 4 + 4 + 3 = 3, 3 = 3 तो 2 बचेगा। फिर इसके बाद आता है हमारा एडिशन, 6 × 3 = 9, 4 × 2 = 6, फिर आता है हमारा एडिशन खत्म, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन नहीं है तो यहाँ ये 3 × 2 = 3, 3 × 3 = 3, तो 3/2 इज़ आवर फाइनल आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है जिसमें बोला है कि 27 × 2³ / 18/6, तो 27 को 27 ही रह देंगे, 2 का क्यूब कितना आता है, 8 / 18/6,
6। इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो 27 गुना 8 ऊपर 18 नीचे 12 6। ये 4 बार में, ये कितना बार में, तो ये 9 बार में। ये 9 के पारा में 1 बार में, ये 9 के पारा में 3 बार में। और अच्छा से लिखेंगे तो 3 गुना 4 बटा 6। ये 1 बार में, ये 2 बार में, ये 2 का 1 बार में, ये 2 का 2 बार में। तो 2 इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन अगला है कि जिसमें बोला है कि 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 बटा 1 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करके बताना है। तो 1 सही 1/2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 1 3, 3 ऊपर 2 नीचे बटा 1 को हम ऐसे रह देते हैं, प्लस इस 1 को भी हम ऐसे रह देते हैं। इसको करते हैं तो नीचे जाएगा लसअप में 4, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 प्लस का प्लस 4, 4 कट गया तो बचा क्या 1। इसको और थोड़ा अच्छा से लिखेंगे तो 3/2 बटा 1 का 1 प्लस 4 1 5, 5 1/5 यहाँ, ये 4 ऊपर चला जाएगा। और अच्छा से लिखे तो 3/2 गुना नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 5 नहीं ऐसे नहीं करते, इसको और नीचे ही ले जाते हैं। फिर इसके बाद हम 3/2 ऊपर, फिर इसका लसअप लेंगे तो 5 नीचे 5 के पर 5 प्लस 4 एकम 4। और अच्छा से लिखे 3/2 ऊपर में 5 4 9/5 नीचे। इसको अब अगर हम हल करते हैं तो 3/2 ऐसे गुना 5 ऊपर 9 नीचे, ये 1 बार में, ये 3 बार में, तो 5 एकम 5 3 2 6 इज आवर फाइनल आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है जिसमें ऐसा क्वेश्चन बनाने से पहले हम थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे, मतलब इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस 1/4 का आंसर कितना आएगा, इसका लसअप लेंगे तो हमारा आएगा 4 4 एकम 4 प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, तो 4 1 5/4। इसका आंसर कितना आ रहा है ये वाला, तो इसका आंसर आ रहा है 5/4। और इसको नीचे अच्छा से लिख लेते हैं, 1 सही 1/2 2 प्लस 1/3 प्लस 1। अब ये ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 4 ऊपर 5 नीचे। फिर इसके बाद हम इसका इसका निकालेंगे, इसका आना तो 3 प्लस 4/5। जब हम इसका लसअप लेंगे तो 5 नीचे, तो 5 दिया 15 प्लस 5 5 कट गया, बचा कितना 1। 1 को ऊपर से गुना करेंगे 4, तो 15 4 19/5। फिर इसके बाद इसका मान, ये जो है ये छोटा सा भाग, इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 19/5। फिर ये 5 ऊपर चल जाएगा यहाँ पर, ये नीचे 19 रहेगा, तो 1/2 2 प्लस 5 ऊपर 19 नीचे। जब हम इसका करेंगे फिर से 2 प्लस 5/19 का, तो इसका आएगा हमारा 19 19 दुनी 38 प्लस 19 19 कट गया, हाथ में 1, 1 को ऊपर से गुना करेंगे, 5 एकम 5 38 5 43/19। फिर इसके बाद आएगा 1 सही 1/43/19, ये 19 ऊपर चल जाएगा, फिर 43 नीचे, दिस इज आवर फाइनल आंसर। फिर इसके बाद हमारा अगला 36वां क्वेश्चन है जिसमें बोला है, ये क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस 1/2 का पहले हम हल करेंगे, 2 आएगा इसका हमारा लसअप, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 प्लस 2 का पारा में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में, 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 1, 2 1 3/2। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 3/2, इसका आंसर आ रहा है 3/2। आइए 2 ऊपर चल जाएगा क्योंकि ये ऐसे होता है, 1 ऊपर 3 प्लस ये क्या है 2/1 गुना 2 ऊपर 3 नीचे। इसको हम हल करेंगे तो 1 ऊपर 3 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अब हम इसका लसअप लेंगे 3 प्लस 1/2, इतना 3 आएगा इसका लसअप, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 प्लस 3 को 3 के पारा में 3 कितना बार में आता है, 1, 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 4 9 4 13 ऊपर 3 नीचे। फिर इसके बाद अगर हम इसको करेंगे तो 1 ऊपर 3 की जगह 3 प्लस 1/4 की जगह क्या आ जाएगा 13, और ये 3 जो है वो ऊपर चल जाएगा, तो 3/13 इज आवर फाइनल आंसर।
27 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि x प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर बराबर 2 है, तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन में क्या होगा, 3 प्लस वन बाई फोर का अगर हम हल निकालेंगे, लसा लेंगे इसका, तो 4 का 4 आएगा। 4 को एक के पढ़ा, 4 कितना बार में आता है, 4 बार में, 4 को ऊपर से गुना करेंगे तो 12 प्लस 4 के पारा में 4 कितना बार में आता है, एक बार में, एक को ऊपर से गुना करेंगे तो 1, इसका कितना आएगा 12 एक 13/4, तो इसका मान कितना आ रहा 13/4, तो 4 ऊपर चले जाएगा। x प्लस वन बाई वन प्लस फोर बाई 13 बराबर 2। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, x का x प्लस वन बाई इसका हम लसा पलेंगे 13 को एक से गुना करेंगे, 13 प्लस 4 का 4 बराबर 2। फिर इसके बाद आता है हमारा x का x प्लस ये 13 ऊपर चला जाएगा, 13 ऊपर 13 और 4 17 बराबर 2। फिर इसके बाद ये x को हम इधर रहेंगे, इसको हम उधर भेज देंगे, तो 2 माइनस 13/17। अगर हम इसको और अच्छा सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा सफ़ों में 17 दूनी 34 में से 13 गया, और 34 में से 13 जाता है तो 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, नीचे 17। तो यही x बराबर इतना ही हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बोला है जिसमें ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। तो हमको पता है कि हम सबसे पहले इसका क्या कर लेंगे, लसपा, मतलब लसपा ले लेते हैं, इसका लसपा लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वन का लसपा लिए और इसको हमको उनाना है, तो x प्लस वन रहेगा प्लस x प्लस वन कट गया, बचा क्या 1, फिर इसका काम हो गया। फिर इसके बाद आता है इसका काम, इसमें भी हम क्या x प्लस टू क्या आएगा, इसमें लसपा आएगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो x प्लस टू आएगा प्लस ये वाला फिर से उतर जाएगा क्योंकि ये फिर ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 1, इसका भी काम खत्म। फिर इसके बाद हम इसका काम करेंगे तो x प्लस थ्री इसका भी लसअप आएगा, x प्लस थ्री को इससे गुना करेंगे तो x प्लस थ्री ही आएगा प्लस ये वाला फिर से उतरेगा क्यों, ये कट जाएगा। फिर इसके बाद आएगा हमारा x प्लस फोर आएगा, x प्लस फोर को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस फोर ही आएगा प्लस x प्लस फोर कट जाएगा बचेगा 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस वन नीचे ही रहेगा, इसमें भी x प्लस टू नीचे ही रहेगा, इसमें भी x प्लस थ्री नीचे ही रहेगा, इसमें भी x प्लस फोर नीचे ही रहेगा। फिर x प्लस वन x प्लस टू प्लस वन x प्लस थ्री 2 1 3 होता है, इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 5 होगा। अगर हम ध्यान से देखें क्या देखें कि सब गुना के फॉर्म में, क्या सब किसमें फॉर्म में, गुना के, तो गुना के फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा एक्स प्लस वन गुना एक्स प्लस थ्री बटा एक्स प्लस टू गुना एक्स प्लस फोर बटा एक्स प्लस थ्री गुना एक्स प्लस फाइव बटा एक्स प्लस फोर। ये जो x प्लस फोर है, ये x प्लस फोर के साथ कट जाएगा, ये x प्लस थ्री, ये x प्लस थ्री के साथ कट जाएगा, ये x प्लस टू, ये x प्लस टू के साथ कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर में x प्लस फाइव बचेगा और नीचे x प्लस फोर बचेगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन आता है जिसमें बोला है 2 - 1/3 2 - 3/5 2 - 5/7 ऐसे करते 2 - 9 - 7/999 तक को गुना करके इसका आंसर बताओ। इसमें हम देखते हैं कि दो दो जो ये हमारा क्या है, सेम है, और यहाँ जो एक है इसमें दो जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, यहाँ 3 है इसमें दो जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा, इसमें 5 है इसमें दो जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा, और यहाँ 997 है इसमें दो जोड़ेंगे तो 999 बन जाएगा, मतलब दो का क्या है अंतर है। तो चलिए हम लसअप लेना शुरू कर देते हैं, तो इसमें लसअप आएगा 3 को 2 से गुना करेंगे 6 माइनस 3 कट गया बचा 1 गुना के फॉर्म में। फिर इसमें करेंगे 5 नीचे तो 5 का लसअप आएगा 5 × 10 माइनस 5 एक बार में कट जाएगा तो बचेगा 3। फिर यहाँ 7 × 14 यहाँ 7 कट जाएगा तो बचेगा क्या 5। ऐसे करते करते हमको कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है 999 तक 999 को 2 से गुना करेंगे 9 × 18 का 8 हाथ में 1 9 × 18 1 19 के 9 हाथ में 1 9 × 18 18 1 19
माइनस, फिर इसके बाद हमारा क्या आइए, 999999 कट गया, बचा क्या 997। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, 6 में से 1 गया 5/3 गुना, 10 में से 3 गया 7/5 गुना, 14 में से 5 गया 9/7 गुना, ऐसे करते करते कहाँ तक, यहाँ ऐसे करते करते 1998 में से 997 गया, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 1/999 ऐसे करेंगे। तो अब इसके बाद हमारा काटने का फॉर्म आ जाएगा, ये पाँच कट जाएगा, ये सात कट जाएगा, ये नौ इधर का एक नौ कट जाएगा, ऐसे करके एक यहाँ एक नौ होगा वो भी कट जाएगा, यहीं करते करते यहाँ पर भी एक नौ 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 होगा जिससे ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर में बचेगा 1001/3, यही बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। इसमें हमको इसका अंदर वाला बात क्यों नहीं बताएं, क्योंकि अगर इसके वाला अंदर वाला बात करते हैं ना तो हमारा कॉपी क्या, मतलब बहुत सारे कॉपी हमारा बर्बाद हो जाता है, इसलिए हम क्या उसके अंदर में ही रहने देते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7 को जोड़कर इसका आंसर बताइए। तो हमको पता है कि इन दोनों को गुना करना है, फिर इसके साथ जोड़ देते हैं, तो बनाते हैं, तो 999 को 7 से गुना करना है, तो पहले गुना कर लेते हैं कितना आएगा, 997 99 को 7 से गुना करना है, 999 को 7 से गुना करना है, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 7 63 अच्छे 9 हाथ में 6 आएगा, 9 7 63 अच्छे 69 आएगा, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6993 प्लस 1 क्योंकि ये जुड़ता है 7, फिर प्लस 6993 प्लस 2 7 आएगा, फिर 6993 प्लस 3 7 आएगा, फिर प्लस 6993 प्लस 4 7 आएगा, फिर प्लस 6993 प्लस 5 7 आएगा, प्लस 6993 प्लस 6 7 आएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद लसपा ले लेंगे, सभी का लसपा ले लेंगे, मतलब जो 7 है सभी का क्या कर लेंगे, लसपा ले लेंगे, तो लसपा लेंगे तो क्या आएगा, सबका नीचे 7 आएगा, ये 7 कट जाएगा, तो 6993 प्लस 1 प्लस 6993 प्लस 2 प्लस 6993 प्लस 3 प्लस 6993 प्लस 4 प्लस 6993 प्लस 5 प्लस 6993 प्लस 6 इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये सभी के गो 1 2 3 4 5 6 छः गो है, तो 6 × 6993 को गुना करेंगे तो हमारा क्या सभी का जोड़ आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, दोनों को लिख देते 1 2 3 4 5 6 तक ये प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, इनको गुना कर देंगे, इनको गुना कर देंगे, तो 6993 को 6 से गुना करेंगे, छिक्का छः छिदुना छतिया 18, 18 के 8, 7 में 1, 9 छक 54, 54 एक 55, 55 के 5, हाथ में 5, 9 छक 54, 54 5, 54 56 57 58 59 60, 9 छक 54, 54 5, 59, 59 के 9, हाथ में 5, फिर 6 छक 36, 36 5, 36 37, 38 39, 40 41, 41 आएगा। अगर हम इसको गुना किए तो हमारा कितना आ गया 14958 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना आता है 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 15 6 21/7 होगा। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, जोड़ने पर 8 1 9 5 2 7 9 का 9 1 का 1 4 का 4/7। अब इसको हमको भाग करना है, तो 7 इधर 4 1 9 7 9 इधर, तो 7 का 7 7 2 14 7 21 7 4 28 7 5 35, 5 बार में 35 आता है, तो 35 36 37 38 39 40 41, तो 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 आइए 9 उतर जाएगा, 7 6 7
नंबर 63, 9 बार में 63 आता है, 9 बार में कितना आता है 63 आता है, तो 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया तो 6 बचा। अब ये जो 7 है ये उतर जाएगा, फिर इतना बार में 9 बार में 63 63 फिर लिखेंगे यहाँ 6 खत्म, 7 में से 3 गया तो 4, तो बचा क्या 4, फिर ये 9 उतर जाएगा 49, फिर 67 49, फिर 7 बार में 49 खत्म। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर हमारा आएगा 5997 इज़ आवर फाइनल आंसर।